पुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हाड़ा के सेना में कार्यरत सूबेदार को को सोमवार कार्यों ने विदाई दी बता दें कि गत दिवस जम्मू के दवाना में पंद्रह जैक राइफल में तैनात सूबेदार विनोद सिंह की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी जिसकी पार्थिव देह बीती रात करीब साढ़े नौ बजे सेना के वाहन द्वारा उसके पैतृक गांव पहुंचाएगी जैसे ही पार्थिव देह को मृतक के पैतृक गांव पहुंचाया गया तो हर तरफ तफ पुकार से क्षेत्र पूरी तरह गमगीन हो गया वहीं सुबह जैसे ही अंतिम संसार को ले जाया जाने लगा तो तिरंगे में लिपटे शव के लिफ्ट कर पत्नी सुमन सहित बुजुर्ग मां सहित पूरा क्षेत्र रोया तो वहीं तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी हर्षी और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली दूसरी बेटी शैबी इस दुखदायी घटना से अनजान दिखी वहीं माहौल उस समय पूरी तरह गमगीन हो गया जब सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बड़ी बेटी शैबी ने पापा को मुखावनी दी धर्मशाला से आई सोलह पंजाब रेजिमेंट की टीम ने एक जे चार गार्ड और बिगलर भी पहुँचे वहीं यूनिट से मेजर अमित खत्री सूबेदार सुरेंद्र चीमा से चार जवानों ने भी दिवंगत सूबेदार को सैल्यूट किया वहीं प्रशासन की तरफ से पहुंचे एसडीएम बलवान चंद तहसीलदार सुरेश कुमार थाना प्रभारी सुरेश शर्मा व डीएसपी ओंकार ठाकुर ने भी दिवंगत सूबेदार को पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किएं तो आप कुछ अपने पापा के बारे में बताना चाहेंगे बोलिए मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ पापा ने बोला था कि मैं आर्मी में डॉक्टर बनूंगी तो मैं ये सपना पूरा करूँगी बहुत